Hi friends, welcome back to my YouTube channel Techiebees. दोस्तों ऐसे तो आपको Amazon पे नेटिव 4K प्रोजेक्टर कहकर बेचे जाने वाले कई प्रोजेक्टर सेल पे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनमें से कोई भी नेटिव 4K नहीं है। कई 4K प्रोजेक्टर्स कहकर बेचे जा रहे प्रोजेक्टर्स 4K सपोर्ट तक नहीं दे रहे। 20,000 के आसपास में मिलने वाले प्रोजेक्टर्स को कई Amazon सेलर्स 4K बताकर दो गुने दामों में बेच रहे हैं और कई लोग धोखा खा भी रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए वो प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ जिसका आपको बरसों से इंतजार था। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ बजट कैटेगरी में ही आए एक रियल नेटिव 4K प्रोजेक्टर की, जो आज इस वीडियो के साथ ही लॉन्च हो रहा है। आज मैं आपके लिए जो 4K नेटिव प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ वो स्टनिंग पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, क्योंकि उसका नेटिव रेजोल्यूशन 4K है, जिससे हर कंटेंट को वो अटमोस्ट रेजोल्यूशन में प्ले करता है। इस नेटिव 4K प्रोजेक्टर को आपके लिए इंडिया में लेकर आई है बोर्सो कंपनी। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी बेमिसाल है, जो आपने अभी तक किसी भी बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर में नहीं देखी होगी। ये बजट कैटेगरी का प्रोजेक्टर एक गेम चेंजर है, जो हायर ब्रांड्स के फुल HD प्रोजेक्टर्स की सेल्स को अपने हायर रेजोल्यूशन और कॉम्पिटिटिव रेट्स के चलते काफी इफेक्ट करेगा। तो इस प्रोजेक्टर की सेल्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि बोर्सो कंपनी इसे Amazon पे इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ इस प्रोजेक्टर के प्राइस Amazon के चार्जेस मिला के बहुत हाई जा रहे थे। इसीलिए आपके फायदे के लिए मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया कि वो इस प्रोजेक्टर को आपको डायरेक्टली सेल करे, जिससे इस प्रोजेक्टर के दाम 20,000 सस्ते हो जाते हैं। ये प्रोजेक्टर डायरेक्टली कंपनी से ऑर्डर करने पे आपको सिर्फ 49,999 में मिल जाएगा, जबकि अगर ये Amazon पे लॉन्च होता तो इसका प्राइस 70,000 जाता। क्योंकि ये प्रोजेक्टर आपको डायरेक्टली कंपनी से ही खरीदना है, इसलिए आपकी संतुष्टि के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बोर्सो कंपनी के ओनर का डायरेक्ट फोन नंबर दे दिया है। आप उनसे निश्चिंत होकर ये नेटिव 4K प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं। अगर आपको मनी ट्रांजैक्शन करने में जरा भी डाउट हो तो आप ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे एक मेल डाल सकते हैं, मैं इंश्योर करूंगी कि आपको आपका ऑर्डर टाइमली डिलीवर हो जाए। ये लिमिटेड एडिशन प्रोजेक्टर है, इसीलिए अगर आपको इसे लेना है तो जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि अभी स्टॉक लिमिटेड है। तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये है बोर्सो 4K एटम प्रोजेक्टर, जो एक बहुत बड़े बॉक्स में पैक्ड होकर आता है, जो काफी भारी है। चलिए इसको ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा सिनेमा प्रोजेक्टर निकलता है, उसके अलावा एक हेवी अडेप्टर, एक रिमोट और एक यूजर मैनुअल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर की बात की जाए तो वो काफी भारी है। इतना भारी प्रोजेक्टर मैंने अभी तक बजट कैटेगरी में कोई दूसरा नहीं देखा है। हाँ, जैटको और एवल विजन के 4K प्रोजेक्टर्स ऑलमोस्ट इतने ही भारी थे, लेकिन फिर उनका कंस्ट्रक्शन प्रीमियम था। इस प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी को हम प्रीमियम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसके पैसों के हिसाब से उसे अच्छा ही कहा जाएगा। आगे की ओर लेंस के चारों ओर एक एलिगेंट डिजाइनिंग दी गई है और सेंटर में बोर्सो की ब्रांडिंग है। ऊपर के सरफेस पे एक पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है और वहां पे भी आपको बोर्सो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड्स में बहुत सारे वेंट्स दिए गए हैं और दोनों साइड्स में स्पीकर्स का प्लेसमेंट है। पीछे की ओर पोर्ट्स दी गई हैं, इसमें आपको दो HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट्स, एक USB टाइप सी पोर्ट, एक 3.5mm ऑडियो पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट और एक DC इन पावर पोर्ट मिलती है। नीचे की साइड में लेग्स के नीचे आपको सीलिंग माउंट के लिए स्क्रू थ्रेड्स मिलेंगे और डस्ट फिल्टर भी यहीं दिया गया है, जिसे आप खोलकर ओकेजनली क्लीन भी कर सकते हैं। इसमें आपको ट्राइपॉड माउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही भारी प्रोजेक्ट है जिसे ट्राइपॉड पे नहीं रखा जा सकता है। रिमोट स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको फोकस एडजस्टमेंट्स के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टर के कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K नेटिव रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है जिसमें ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ साथ ऑटो ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस, डिजिटल जूम, 4D कीस्टोन करेक्शन सभी दिया गया है। ये प्रोजेक्टर 1600 ANSI ल्यूमेंस और 25,000:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर में HDR, HDR10, HDR10+ और HLG सभी का सपोर्ट दिया गया है। इसमें जेन 6 डुअल बैंड वाईफाई के अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है। इसके अलावा इसमें 6.3 इंचेस का लार्ज IPS डिस्प्ले दिया गया है। ये प्रोजेक्टर 150 इंचेस तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। इसका थ्रो रेशो 1.28:1 है। 13.94 फिट से ये प्रोजेक्टर 150 इंचेस की स्क्रीन बना देता है। ये प्रोजेक्टर हाफ सील्ड ऑप्टिकल इंजन के साथ आता है जिसमें लाइटनिंग फास्ट हाई 3751 B560 चिपसेट को 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसके अलावा इसमें हाई क्वालिटी लेंस लगाता है जिसकी लाइट ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है, जिससे ये प्रोजेक्टर बहुत ब्राइट और शार्प प्रोजेक्शन करता है। ऑडियो के लिए इसमें 15-15 वॉट्स के 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। तो ये थी इस प्रोजेक्टर की स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इसे सेटअप करने के प्रोसीजर की। क्योंकि एक बहुत भारी प्रोजेक्टर है, आइडियली इसे आपको सीलिंग माउंट करवाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट प्रोजेक्टर है जो अपने घर में एक मिनी होम थिएटर तैयार करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डेडिकेटेड होम थिएटर बनाने की जगह नहीं है, तब भी आप इसे आराम से किसी हाई टेबल पे प्लेस करके प्रोजेक्शन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे की साइड में भी वेंटिलेशन का प्रोविजन दिया गया है, इसलिए आपको इस प्रोजेक्टर को किसी हार्ड सरफेस पे रखना होगा जिससे इसे नीचे से भी वेंटिलेशन मिलता रहे और वेंट्स ब्लॉक ना हो। बेटर होगा आप इसे उल्टा रखकर, जैसे सीलिंग माउंट किया जाता है, उसी पोजीशन में प्ले करें, ताकि नीचे से भी जहां डस्ट फिल्टर दिया गया है वहां से भी एयर सर्कुलेशन होता रहे। ये प्रोजेक्टर दूसरे बजट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले सेम डिस्टेंस से ज्यादा बड़ी स्क्रीन बनाता है। मैंने इसे अप्रोक्सीमेटली 11.5 फीट की दूरी पे रखा हुआ है, जहां से ये 130 इंचेस की स्क्रीन बना रहा है। ये प्रोजेक्शन आप सिंपल व्हाइट मोटोराइज्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस स्क्रीन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्टर के साथ Amazon 4K Fire TV Stick Max लगाई हुई है, जो इससे फुली कंपैटिबल है। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है इसका परफॉर्मेंस। तो इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस लाजवाब है। क्योंकि ये नेटिव 4K प्रोजेक्टर है, इसलिए ये बहुत डिटेल पिक्चर्स प्रोजेक्ट करता है। दूर के सीन्स जिसमें पेड़ों का झुरमुट एक साथ होता है, उनमें हर एक पेड़ को आप इस प्रोजेक्टर पे आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। ये इस समय बजट कैटेगरी का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है, जो अभी तक के ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स को भी पीछे छोड़ देता है। ये इतना ब्राइट है कि आप इस प्रोजेक्टर को इल्यूमिनेटेड रूम में भी कंफर्टेबली देख सकते हैं। इस पे आपको मोर और लेस बिल्कुल किसी 4K टीवी की ही तरह पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। और क्योंकि इसका प्रोजेक्शन बड़ी स्क्रीन पे होता है, इसलिए इस पे आपको टीवी से कहीं ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है, कलर्स वाइब्रेंट होने के साथ साथ काफी एक्यूरेट लगते हैं। इस प्रोजेक्टर पे आप सीन्स में लोगों के पहने कपड़ों के फैब्रिक्स के साथ साथ उन कपड़ों की फाइनर डिटेल्स को भी इफर्टलेसली देख सकते हैं। प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी इतनी एडिक्टिव है कि आप कंटेंट पे कंटेंट देखते चले जाएंगे और आपका जी नहीं भरेगा। स्पोर्ट्स की ग्रीन फील्ड इस पे बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। इस प्रोजेक्टर पे स्पोर्ट्स देखना एक्साइटिंग लगता है। बड़ी स्क्रीन पे 4K रेजोल्यूशन में आप हर एक डिटेल पे नजर रख सकते हैं। आपको स्टेडियम से ज्यादा अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस अपने घर पे ही बैठकर मिल जाएगा। ब्लैक्स की बात करी जाए तो अभी मैंने जितने भी बजट प्रोजेक्टर्स रिव्यू किए हैं, इस पे उन सबसे डीपर ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। हाई ब्राइटनेस, गुड कॉन्ट्रास्ट, डीप ब्लैक्स और वाइब्रेंट कलर्स सब मिलकर पिक्चर्स में जान फूंक देते हैं, जिससे पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ दिखाई देती है। कई सीन्स में ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ लाइव अपनी आंखों से देख रहे हो। ये प्रोजेक्टर HDR10 सपोर्ट करता है और क्योंकि इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, इसलिए आप इस पे 4K HDR कंटेंट्स बहुत अच्छे से HDR की डिटेल्स के साथ एंजॉय करेंगे। इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप हर उस कंटेंट को 4K रेजोल्यूशन में देख पाएंगे जो 4K में रिलीज हुआ है।
HDR डार्क सीन्स भी इस पे बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्ले होते हैं, जिनमें आपको फाइनर डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है। ये वो प्रोजेक्टर है जिस पे आप नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और अमेज़न की हाई क्वालिटी वेब सीरीज को दिल से एंजॉय करेंगे। बजट कैटेगरी के अंडर 1 लाख के टीवीज को तो छोड़ ही दीजिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ी स्क्रीन पे इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी हायर ब्रांड के कॉस्टली 4K टीवीज के भी बियॉन्ड चली जाती है। जो थ्रिल और एक्साइटमेंट आपको इस पे महसूस होगा, वो आपको कभी भी टीवी के थ्रू नहीं मिल सकता है। मोशन ब्लर की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर पे कोई नोटिसेबल मोशन ब्लर की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। इस मोशन टेस्ट को भी इस प्रोजेक्टर ने अच्छे से पास किया। लेकिन ये याद रखिए कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आपको हर डिवाइस पे डबल ही दिखाई देगी, क्योंकि कैमरा से वो वैसे ही शूट होता है। आप इस प्रोजेक्टर पे USB के थ्रू 4K HDR मूवीज बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि USB के थ्रू भी ये प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया क्वालिटी में कंटेंट्स को प्ले करता है। अब आते हैं इसकी ऑडियो पे, तो इसके साथ आपको किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोजेक्टर आपके लिए एक ऑल इन वन एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन है, जिसकी ऑडियो क्रिस्टल क्लियर होने के साथ साथ बहुत लाउड और बेस रिच भी है। ऐसा लगता है जैसे आपने इस प्रोजेक्टर के साथ किसी साउंड बार को कनेक्ट किया हुआ हो। डायलॉग्स में भारीपन के साथ साथ आप इस पे एक्शन सीन्स में हो रही हर छोटी से छोटी आवाज को महसूस कर पाएंगे। ये प्रोजेक्टर अच्छी पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी का एक बेहतरीन अमलगमेशन है, जो आपके इंटरटेनमेंट को रीडिफाइन करने की एबिलिटी रखता है। याद करो वो आइसक्रीम, वो झूले मेरी आखिरी उम्मीद हो। माफ करना देवी जी, आप शायद किसी और को ढूंढ रही हैं। आपका दिन अच्छा ना जाए, बहुत ही अच्छा जाए। सर, नाउ वाज राइट, ये लोग सच में कश्मीरी मुस्लिम थे। कल मॉर्निंग 9 बजे तक फुल रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए राम। माफ कीजिए भाई, गलतफहमी हो गई। गलतफहमी होती रहती है, आप खाना खाओ। ऐसे तो इस प्रोजेक्टर के साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसे साउंड बार से कनेक्ट करना ही है तो अभी इस प्रोजेक्टर में कंपनी ने HDMI ARC नहीं दी है। आप 3.5 mm ऑडियो आउटपुट का यूज करके साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने जो HDMI कनेक्ट करने की टेक्निक दूसरी वीडियोस में बताई है उसे फॉलो करके HDMI के थ्रू भी आप 5.1 डॉल्बी डिजिटल ऑडियो प्लस तक की साउंड एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता चलता है कि कई लोग अंडर 15K के प्रोजेक्टर के साथ अबव 32K का साउंड बार खरीद कर पेयर कर देते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है टीवी या फिर प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी। इसीलिए आपको ज्यादा पैसे अच्छे प्रोजेक्टर खरीदने में खर्च करने चाहिए, ना कि साउंड सिस्टम पे। साउंड तो एक अंडर 10K के साउंड बार में भी काफी अच्छी मिल जाती है। जब तक पिक्चर क्वालिटी अल्टीमेट नहीं होगी, तब तक अच्छी साउंड भी आपको सिनेमा हॉल वाला मजा नहीं दे पाएगी। रही मिररिंग की बात, तो इसके थ्रू मिररिंग बिल्कुल स्मूथ होती है। आप अपने फोन के कंटेंट्स को बड़ी स्क्रीन पे स्मूथली कास्ट कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ दिया गया है, आप उसके थ्रू भी अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस इस प्रोजेक्टर से पेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि कभी भी ब्लूटूथ के थ्रू आपको वो ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो वायर्ड ऑडियो सिस्टम के थ्रू मिलता है। आप इस प्रोजेक्टर को DVD प्लेयर्स, एंड्रॉइड TV बॉक्स, PlayStation, सेट टॉप बॉक्स सभी से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के फैन की नॉइस की बात की जाए तो वो ज्यादा नहीं है। ऑडियो प्ले होने पे 40 डेसिबल की नॉइस सुनाई भी नहीं देती है। ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट प्रोजेक्टर है जिसपे आप यूट्यूब कॉन्टेंट 4K क्वालिटी में देख सकते हैं। हॉटस्टार को आप इस पे फुल HD रेजोल्यूशन में देख पाएंगे, लेकिन दूसरे सभी एप्लीकेशन में 4K रेजोल्यूशन देखने के लिए आपको इसके साथ 4K फायर TV स्टिक लेनी ही पड़ेगी। अभी फिलहाल किसी भी प्रोजेक्टर में ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं आता है और ना ही आपको इनमें लाइसेंस्ड एप्लीकेशन मिलती है। उन्हें प्रोजेक्टर्स में साइड लोड करके डाला जाता है, इसलिए ही फायर टीवी स्टिक किसी भी प्रोजेक्टर के साथ जरूरी हो जाती है।
गेमिंग इस प्रोजेक्टर पे बहुत ही बढ़िया होती है। इस प्रोजेक्टर के ग्राफिक्स बहुत शार्प हैं। आप इस प्रोजेक्टर पे 4K HDR एट 60 हर्ट्ज तक के गेम्स स्मूथली खेल सकते हैं। गेमिंग इस पे एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है। तो एंड में इस वीडियो को सम अप करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्टर है जो इतने कम पैसों में 4K रेजोल्यूशन दे रहा है। ये बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स का वो लीडर है जो हायर ब्रांड्स और बजट प्रोजेक्टर्स के बीच के डिमार्केशन को मिटाकर डायरेक्टली हायर ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स को बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।